आज एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शह पर, उनके कहने पर दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने एक बार फिर हिंदू देवी देवताओं का और हिंदू मंदिरों का अपमान किया है। अब कह रहे हैं जनाब कि दलित लोग हिंदू मंदिर में क्यों जाते हैं, क्योंकि वहां पर दलित महिलाओं के साथ रेप होता है, उनकी हत्याएं होती हैं। ये अपमान राजेंद्रपाल गौतम ने किया है। ये कोई पहली बार नहीं है जब वो इस तरह के बयान, इस तरह का अपमान हिंदू मंदिरों के बारे में, हिंदू देवी देवताओं के बारे में उन्होंने किया है। ये क्या पैटर्न बन रही है? इंडी गठबंधन ने लगता है ठान ली है हिंदुओं को अपमान करने की। पहले डीएमके के एमपी ने जिस प्रकार के शब्दों का यूज इस्तेमाल किया वो निंदनीय था। जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने रामचरितमानस के बारे में जिस प्रकार से अपमानजनक शब्द कहे वो निंदनीय तो है ही है, कार्रवाई के योग्य भी हैं। अब जिस प्रकार से राजेंद्रपाल गौतम ने एक बार फिर इस तरह के बयान दिए हैं, सरासर निंदनीय है। और मैं अरविंद केजरीवाल साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं, आखिर क्या कारण है आप राजेंद्रपाल गौतम के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हो? क्यों ना माना जाए कि आपकी शह पर हो रहा है, क्योंकि आप तो कार्रवाई उनके ऊपर कर नहीं रहे। क्यों नहीं उनको आप पार्टी से बाहर निकालते? सरासर निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी इस बयान की तीव्र शब्दों में निंदा करती है।